एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। नाउ वी आर स्टार्टिंग सुश्रुत संहिता सूत्र स्थान योग्या सूत्रीय अध्याय। तो योग्या वर्ड से आप क्या समझते हो? तो योग्या का मीनिंग ये है कि जो भी चीज़ अभ्यास किया जाता है, जैसे कि योगा कर्मसु कौशलम, इसी सेंस में आता है, तो उसे योग्या कहा जाता है। जैसे हम डिस्कस करते हैं, तो जैसे डाइसेक्शन जो करते हैं, ठीक है, जो अपन जो डेड बॉडी का, जिसे मॉडर्न में क्या है, ऑपरेटिव सर्जरी कहा जाता है, तो इसी को जो है योग्या के फॉर्म में सुश्रुत ने वर्णन किया है। तो पहली चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि इस तरह का जो वर्णन है वो कहाँ पे आ रहा है, किस संहिता में आ रहा है। तो सभी शास्त्रों को अधिकृत करके हमें प्रत्यक्ष कर्माभ्यास करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कहा है कि कई जो छात्र होते हैं, जो बहुश्रुत होते हैं, यानी कि कई शास्त्रों का जिन्होंने अध्ययन किया हो और क्या उन्होंने योग्या नहीं सीखी हो, तो वो अकृत होते हैं, मतलब प्रत्यक्ष कर्माभ्यास करने में सक्षम नहीं होते हैं, प्रत्यक्ष के कर्म के अयोग्य होते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि आचार्य जो सुश्रुत हैं, उन्होंने जो प्रैक्टिस है उसको पहले से ही बता दिए हैं, क्योंकि जो प्रैक्टिस है उसको पहले से बता दिया है। इसका मीनिंग ये होता है कि पहले आप क्या है योग्या सूत्रीय अभ्यास कीजिए, फिर आप क्या है ट्रीटमेंट करने जाइए। तो क्या क्या चीज़ों की डमी बना करके उन्होंने योग्या सूत्र करने के विषय में बताया है, इसको अपन नेक्स्ट पेज में देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जो नेक्स्ट पेज है वो। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, पहले तो आप लोग अपना माइंड सेटअप करना कि क्वेश्चन किस तरह के पुटअप होते हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन कैसे आता है, आपको पर्टिकुलरली कोई कोटेशन दे दिया जाएगा और आपको ये पूछा जाएगा कि इस चीज़ पे किस प्रकार का कर्माभ्यास किया जाता है करके, या ये क्वेश्चन वाइस वर्सा आ सकता है। तो इन्हीं चीज़ों पे अपने को ध्यान देने हैं। अगर आप धीरे से फोकस करके एक ही बार में इसको समझ लोगे, ठीक है, तो ये आपको इजीली जो है ध्यान में रह जाएगा। तो देखो, पुष्प फल अलाबू कालिंदक त्रपुस एरवारुक करकारुक, ये सारी सब्जी एक्सेट्रा हैं। तो इन पे आपको क्या करना है, छेदन कर्म करना है। इस पे अपने को क्या है, इनको काटने का प्रयास करना है। तो इस पे क्या किया जाता है, छेदन की योग्या की जाती है, इसको आपको यहाँ से ध्यान रखना है। तो जब सब्जी एक्सेट्रा के नाम आते हैं तो ये क्या है, छेदन की योग्या के लिए बताया गया है। साथ ही साथ इसमें हम जो है उत्कर्तन परिकर्तन आदि अभ्यास भी कर सकते हैं। फिर है आपका धृतिवस्ती। धृतिवस्ती का मतलब होता है जो मशक है, ब्लैडर एक्सेट्रा जो है जब भरा हुआ होता है, तो उदक पूर्ण जो पात्र होता है उसके ऊपर हम क्या करते हैं, भेदन कर्म करने का प्रयास कर सकते हैं। तो भेदन की योग्या किसमें कर सकते हैं, धृतिवस्ती प्रसेवक उदक पूर्ण चीज पर, उसको हम क्या है भेद्य करके देखेंगे। फिर देखो, सर उमणी चर्माण्य लेखस्य, यानी कि जिस स्किन के ऊपर चर्म हो और क्या हो उसके ऊपर थोड़े से लोम हो, तो उसके ऊपर हम क्या करेंगे, लेखन स्क्रैपिंग करने का प्रयास करेंगे। ये ध्यान रखना कि सर रोमणी चरण पे जो आपका चर्म है उसके ऊपर, सर रोमणी चर्म पे जो लेखन कर्म है, कर्म करने का प्रयास किया जाता है। तो लेखन में अपन क्या है स्क्रैपिंग कर रहे हैं, तो उस चीज़ से आपको ध्यान में रखना है। फिर बोला गया है मृत पशु शिरा नाल उत्पल, यानी कि मृत पशु के सिराएं हैं या साथ ही साथ में जो कमल की नाल है, तो उसके ऊपर क्या करेंगे, वेदन करने का। जैसे कि अपन लोगों ने मृत पशु की शिराएं ले ली और कमल नाल ले लिया, सिमिलर ही लगती है, इस वजह से उसके ऊपर अपन वेदन का प्रयास कर सकते हैं अपन। फिर क्या है कि गुण उपत कोई काष्ट है, तो बीच में क्या है होल्स हो जाएंगे। वेणु नाल है ना, शुष्क अलाबू है, तो इन सब में जो सूखी हुई तौरई जो होती है, लूफा जिसको हम बोल सकते हैं, वो इस तरीके की हो जाती है, तो उसमें अपने को क्या करना है, एशन करने का, प्रोबिम करने का अभ्यास करना है, क्योंकि उसमें बहुत सारे छिद्र हो जाते हैं, तो उसमें एक पर्टिकुलर स्थान पे किस तरह से प्रोबिंग करते हैं उसका अभ्यास करना है। फिर देखो, पनस बिंबी बिल्व फल, इसमें क्या है बीज जो है वो अच्छे से इंटैक्ट होते हैं इन सब के, तो और जो मृत पशु के दांत हैं उन सबको आहरण करने का प्रयास करना चाहिए, ताकि इंटैक्ट चीज़ों को किस तरीके से निकाल सकते हैं उसकी आपके यहाँ पे योग्या हो जाएगी। फिर देखो, यहाँ पे लिखते हैं कि मधुचिष्ट उपलब्ध जो सालमली का फलक है, तो उस पर क्या कर देते हैं, मोम का लेप कर देते हैं, तो उसके ऊपर क्या करना है, विस्त्रावण का प्रयास करना है।
अगर भी श्रावण का प्रयास करना है तो मधुचिष्ट सालमली फलक उसके ऊपर मोम का लेप करके जो है विश्रावण का जो है प्रयास करना है। फिर देखो सूक्ष्म घन वस्त्र का जो अंत होता है या मृदु चर्म का जो अंत होता है, तो सपोज टू भी इसको आप ऐसे समझो कि एक ये देखो ये दो लाइन है ठीक है, तो ये क्या है आपके चर्म है, तो इनके बीच में जब अपन क्या है सीवन का प्रयास कर सकते हैं। तो हमेशा ये ध्यान रखना ये जो अंतयो जो वर्ड आता है वो हमेशा सीवन के लिए आता है, क्योंकि दो चीजों को आपको जोड़ना है तो आप एंड से ही जोड़ोगे, तो अंतयो वर्ड आ गया तो वो अभ्यास सीवन के लिए ही किया जाएगा। फिर देखो पुस्त में पुस्तांग प्रत्यांग विशेषेशु बंधन योग्या, तो जैसे कि जो डमी वगैरह होता है पहले जो है कपड़ा भर के जो है पुरुष की डमी बनाई जाती थी, जो प्रतिबिंब वगैरह बनाए जाते थे उसके ऊपर क्या है जो पट्टी बांधना है उसका अभ्यास किया जाना चाहिए। फिर लिखते हैं कि मृदु जो आपका चर्म मांसपेशी या उत्पल नाल में हम जो है कर्ण संधि बंधन का जो है प्रयास कर सकते हैं। जो कर्ण संधि होता है वो क्या है आपका मृदु ऑर्गन है, तो इस वजह से जो है अपन कर्ण संधि बंधन का जो अभ्यास करेंगे वो मृदु चीजें पे करेंगे, जैसे कि मृदु चर्म मांसपेशी उत्पल नाल पे हम इस तरीके का प्रयास कर सकते हैं। फिर जो मृदु मांस खंड जो होते हैं उसके ऊपर हम जो है अग्नि क्षार कर्म का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि हमें क्षार लगाना है मांस के ऊपर, तो मृदु मांस खंड के ऊपर अपन जो है अग्नि और क्षार कर्म का उपयोग कर सकते हैं। फिर उदक पूर्ण जो घट होता है या फिर अलाबू इनका मुख एक्सेट्रा जो है, आप जैसे देखें तो आपको अलाबू दिखाई देगी ना, तो उस पर तो उसका जो मुख है या उदक पूर्ण जो भी घट है उसके मुख के अंदर अपने को क्या है वस्ति का प्रवेश कराना है, तो उसके मुख आदि में जो है हम क्या है नेत्र का प्राणिधान कराने का वस्ति व्रण वस्ति प्रीरण इन सब का जो प्रयास है योग्य जो है हम प्रयास यानी कि योग्य हम कर सकते हैं। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, तो सबसे पहली जो चीज़ है वो ये ध्यान रखो ये जो उत्पल नाल है इसके ऊपर वेदन की योग्या ऐषण और कर्ण संधि बंधन इन तीनों के अंतर्गत इसको बता रखा है, तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है। फिर कंफ्यूज जो हम होते हैं जैसे कि मृत जैसे कि सरोम चर्म जब आता है तो हमेशा लेखन का अभ्यास किया जाता है, और जैसे कि चर्म अंत लिखा हुआ आएगा तो सीवन का प्रयास किया जाएगा, मृदु चर्म जो है लिखा हुआ आएगा तो उसके अंदर कर्ण संधि बंधन का प्रयास किया जाएगा। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होने हैं मृदु चर्म बोल रहे हैं या चर्म अंत बोल रहे हैं या फिर सरोम चर्म बोल रहे हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं, सरोम जो चर्म है उसमें अपन लेखन कर्म करेंगे, चर्मांत पे अपन जो है सीवन कर्म करेंगे और मृदु चर्म पे अपन जो है कर्ण संधि बंधन का प्रयास करेंगे। तो ये चीज़ आपको क्लियर रखना है, और किस तरीके से किस योग मतलब किस चीज़ में किस योग्य का प्रयास किया जाता है ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि जो मेन क्वेश्चन है वो यहीं से आते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट पेज की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे देखिए एवं आदिशु मेधावी योग्या हर्षे शु यथा विधि, इस तरीके से योग्य वस्तु पर जो योग्य का अभ्यास कर लेता है वो कर्तव्य या अकर्तव्य के शून्य मोहित प्राप्त नहीं करता है। तो ये चीज़ यहाँ पे पूछा जाता है कि ये किस रेफरेंस में आए हैं, तो ये यहाँ पे क्या है योग्य की प्रशस्ति बता रखी है। तो इस प्रकार से तस्मात कौशल अन्वेक्षण शस्त्र क्षार अग्नि कर्मशु, इसलिए जिसको शस्त्र क्षार अग्नि कर्म में कौशल की इच्छा है उसको क्या है इस तरीके से योग्या करनी चाहिए। तो ये भी रेफरेंस ध्यान में रखना कि शस्त्र क्षार अग्नि जो कर्म है उसके कौशल के लिए किसको बता रखा है, तो योग्या कर्म अभ्यास के लिए आचार्य सुश्रुत ने वर्णन किया है। ठीक है, क्लियर। तो इसी के साथ में ही ये जो नवम अध्याय है योग्या शुत्री अध्याय वो यहाँ पे फिनिश होता है। थैंक यू।